Here I am Roshan. Welcome back to my channel. Today in this video, we will learn tense continuous tense. You can see present progressive tense. You know that what is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. It is called sentence. Sentence हम उसे कहेंगे जिसका पूरा वाक्य निकले, जिसका पूरा अर्थ निकलता, sense निकलता, उसे हम लोग sentence कहते हैं. There are three tenses: present tense, past tense, and future tense. But to every tense has a four kind. Present tense, present indefinite. You can see simple present tense, present continuous, present perfect continuous tense. Past का हमारे से होता है past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Future का हमारा होता है future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Total मिलाकर के हमारे 12 हो जाते हैं. But to understand, we will talk about present continuous tense. इससे पहले हम लोगों ने present indefinite के बारे में पढ़ा था. अगर नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा. So let's begin. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मानो कोई वाक्य आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये present continuous tense है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहती है, रहे हैं, करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Present continuous tense कहते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपको ध्यान दोगे. जैसे कि पॉजिटिव अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैप्पी वर्ब का यूज करते हैं, जैसे इज, आर, एम. इज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर के साथ. आर का यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं. और एम हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ. बिकॉज आई इज अ स्पेशल पर्सन, फर्स्ट पर्सन. इसमें हम लोग किसके साथ एम का यूज करते हैं? प्लस हमारे वर्ब में आई एन जी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. बट नेगेटिव अगर आता है, नकारात्मक, तो उसमें हम लोग कुछ चेंज करते हैं. देखिए क्या चेंज करेंगे. सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग हम लोग हल्के वर्ब में यूज करेंगे, प्लस नॉट होगा. हल्के वर्ब में जस्ट बाद वर्ब में नॉट यूज होता है, वर्ब में आई एन जी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. इंट्रोगेटिव अगर आता है कि तो हम इसमें क्या करते हैं कि हल्के वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब में आई एन जी होगा, प्लस हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं. लेकिन इंट्रोगेटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं. एक इंट्रोगेटिव हमारा होता है जैसे क्या से स्टार्ट होता है, जैसे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं. अगर इसका साथ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे हल्के वर्ब होता है उसे हम पहले लिखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि बीच में हमारे
क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हो, इसका हम पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो तुरंत आप लोग उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, उसमें सब्जेक्ट अपना यूज करोगे, एंड नॉट इन द नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी वर्ब है, अदर ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग यूज करेंगे। अब तो ये रहा रहता हुआ है, लेकिन कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे आते हैं जैसे कि करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ये भी हमारे कॉन्टिन्यूस में ही आते हैं। इसका हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, ऑलवेज का हम लोग यूज करते हैं या फॉरएवर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस दिया है, वो हमेशा बोलता रहता है, यानी कि इसमें जो जैसे जो वर्ब होता है वो अक्सर होता रहता है, वो हमेशा बोलता रहता है, वो कहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ही हमारा क्या है, जेंडर आपको पता चलता है, यानी कि ये मेल जेंडर है।